भजन जिसने आसन पर बैठ कर किया हो, उनका ही भजन, उनकी वाणी सुनना। वाणी तो देखो भगवत कृपा किन पर है जो समर्पित है, और भजन ही एकमात्र जीवन है, भगवान के लिए ही समर्पित होकर समस्त कर्म करते हैं। ऐसे जो समर्पित चित्त जैसे जिस साधक का है, उनके शब्द में दम है, उनके मुख से हरिकथा श्रवण करने से काम होगा, ऐसा है। आसन का कपड़ा होता है, जैसे मेरे पास ऐसा कपड़ा है, उसको मैं बैठ के करता हूँ। उसको अगर मैं जैसे नीचे जाता हूँ, कई बार भजन पूरा जैसे जब पूरा नहीं होता है, जब तक मैं 3 बजे नहीं उठ पाता हूँ, तब तक तो थोड़ा डिले हो जाता है, तो OPD का टाइम हो जाता है, तो क्या उसको नीचे अपनी सीट पर रख के करूँ तो क्या वो वस्त्र फल देगा? ना ना, वो शिफ्ट कर दे, शिफ्ट कर दिया नहीं जाएगा, एक जगह से मूव नहीं करना, जहाँ रख दिया रख जाओ, यहाँ ना वही रहेगा, वही रहेगा, उठाएगा नहीं, उसको धोना भी नहीं है ना, उसको धोना भी मना है, गंदा ना वो अनुपरमाणु सब शक्ति है, उसमें ताकत है, वो धूल ऐसा नहीं है, ऐसा धूल नहीं है। घर में तो ऐसी व्यवस्था नहीं होती, बाबा क्यों झाड़ू पोछा लगता है, वो सब झाड़ू तो लगना ही नहीं चाहिए, आसन अपना जो फिक्स्ड आसन है उसमें झाड़ू तो लगना ही नहीं चाहिए, उसे संभाल करके अलग कपड़ा से पोछ करके। और आसन भी ऐसे ही रहता है, ना वो शिफ्ट होता है ना वही भजन। सफाई करने का हम जो सफाई करते कुटिया, तो उसको उठा के फिर गंदा कहाँ से आएगा? तुम गंदा होके हाथ पाव धोने मैला मैला हाथ पाव लेकर के बैठोगे तब तो गंदा होगा, लेकिन आश्रम में तो ऐसा बैठना ही है नहीं, हाथ पाव जब भी बैठो हाथ पाव धो करके पवित्र होकर के बैठो। बाबा एक ही कुटिया है, सब जा रहे आ रहे एक ही कुटिया है, आगे पीछे जाने के 4 आदमी आ जाए तो आसन पे पैर गड़ता है, उसमें क्या कर सकते, बचाव करना पड़ेगा। देखो ये तो मजबूरी है, वो तो अलग चीज है, हम बचाव नहीं कर पा रहे हैं तो उसका कोई दवा थोड़ी है, अब क्या करें, एक ही घर है, यहाँ 10 आदमी रहते हैं, इतना सब तो हम कहाँ बैठेंगे, वो तो एक मजबूरी है। बाबा 1 लाख नाम करने में अभी मतलब एक बार बैठो, 2 बार बैठो, 3 बार बैठो, सारा दिन बैठ सकते हैं ना? मतलब 1 लाख नाम तो हम लोग गृहस्थी है, एक ही बार तो पूरा नहीं होता ना, वैसे जब जब ही तुम्हारा समय मिले तभी तभी जब बैठो। वैसे एक आसन बैठने का बहुत ज्यादा महत्व है, एक आसन में बैठने का ज्यादा महत्व है, जितना आसन को बढ़ाओ समय को बढ़ाओ, जैसे जितना समय दे गृहस्थी लोग उनके लिए अपना हिसाब है, जितना समय हमको घर का काम करना है, ये करना है, हमको जो भी नौकरी चाकरी जो भी, उस हिसाब अनुसार उसको समय को सेट करना है, सबके लिए एक सा नियम नहीं है, तो ज्यादा एक विशेष नियम है कि ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके बैठना, ये सर्वोत्तम है, सर्वोत्तम समय है, जब सुबह उठ करके नहा धो करके जब कोई नहीं कोई आवाज नहीं, रात को 2-2:30 बजे बैठ स्नान किए आसन में नहीं बैठे, बिना स्नान किए क्यों बैठे? रात में इच्छा बनी हमारी बैठने की तो अलग अलग बैठो, तो नहीं तो और कर सकते हो, वही आसन में अगर बैठना है तुमको तो तुमको हाथ मुंह हाथ पैर धो करके कपड़ा बदल करके मंत्र स्नान कर करके फिर जगह आसन में बैठो, शुद्ध कपड़ा वस्त्र पहन के, वो वस्त्र चलेगा नहीं, और ऐसा नहीं हाथ मुंह धोया नहीं, पूरा फ्रेश हो करके हाथ मुंह धो करके शुद्ध वस्त्र पहन करके मंत्र स्नान करके, मंत्र स्नान होता है जब आप असमर्थ हो जाते हैं, बुखार उखार आ जाता है, उस स्थिति में क्या होगा, मंत्र स्नान, ओम पवित्र पवित्र वा सर्ववस्त्र गतौ पिपा जस सरे कुंडलिका शुभ जब पवित्र शुचु
मुकुट करके ओम विष्णु ओम विष्णु ओम विष्णु करके शिरक दो पानी, तो मंत्र स्नान हो गया। ऐसे जब कोई स्थिति आ जाए जो हमारे नहाना संभव नहीं हो सकता है, उस स्थिति में मंत्र स्नान करके शुद्ध वस्त्र पहन करके आसन। ये मंत्र बाबा जैसे किसी के प्रिमेशन में गए हैं, कोई मर गया है, उसी में इमरजेंसी में चलेगा, इमरजेंसी में छू गया कोई कोई ऐसे मान लो जी बहिर्मुख लोग, बहिर्मुख लोग तो कपड़ा वपड़ा धोते नहीं है, वो लोग तो टट्टी में सब तो वही तो वही कपड़ा पहन के करता है, सदर संशय तो वजन नहीं करते बहिर्मुख जी, तो अगर छू गया दिन भर भी कौन सा छू गया तो क्या करे उसमें, वही तुरंत करके या अपना शीशी जो रखा उसमें पढ़े लिखा कुछ भी करके वो छिड़क, कुछ भी नहीं आया तो विष्णु विष्णु तीन बार करके जो पवित्र कर लो, कुछ भी कर ले हम क्या करें। यानी आसन पर बैठना बहुत मतलब आसन में शक्ति आ जाती है, आसन में शक्ति आ जाती है, बैठना ही पड़ता है, बैठना ही पड़ता है धीरे 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 धीरे, वो शक्ति जितना लंबा समय तक तुम आसन में बैठोगे तो ऐसा नहीं आसन में बैठ करके उल्टा पलटा चिंता ये चलेगा नहीं, तो आसन ताकत होगा नहीं, शुरुआत में तो बाबा आएगा ही नहीं, ना कोशिश करना पड़ेगा, जो हम इस समय कम बैठो चिंता आया तो कम बैठना, हमारा टारगेट रहना चाहिए जो किसी भी अवस्था में हमारे बहिर्मुखी बाहरी चिंता या अवैध चिंता ये नहीं आनी चाहिए हमारे मन में, नाम ही करना है चिंता नहीं करना, तो उस ज्यादा शक्ति आ जाती है उस आसन में बहुत जल्दी, फिर सोना नहीं चाहिए वहाँ आसन में, वैसे नींद आ जाए झटका लग गया वो तो आसन छोड़ करके अलग अलग सो जाओ। झटका तो ये तो अलग बात है, लेटना नहीं चाहिए, सोना नहीं चाहिए आसन, आदत पड़ जाएगा, झटका भी एक दो घंटा आ गया। आसन नियम प्रणाम प्रत्याहार ध्यान धारणा समाधि अष्टांग योग, हमारे भजन में भी अष्टांग योग ही है, अष्टांग योग पूरा अष्टांग योग होता है आपका, पूरा अष्टांग योग प्रणाम, जब भगवत चिंतन में एकदम तल्लीनता जाती है, सांस भी धीरे धीरे बहती है तो उसमें प्राणायाम हो जाता है ऑटोमेटिकली, वायु एकदम स्तब्ध हो जाता है, प्राणायाम हो जाता है, कुंभक रेचक दोनों ही होता है, प्रत्याहार मन को हटाने के लिए चेष्टा, संसार से दुनिया विषय वस्तु से मन को हटाने की चेष्टा, ध्यान मन को स्थिर करने के लिए कोशिश, धारणा जब स्पष्टीकरण स्पष्ट हो जाता है, कोई रूप कोई चिंतन लीला चिंतन में मन लग जाता है, स्पष्ट देखने में आता है रूप, ध्यान धारणा, फिर समाधि जिस स्थिति में जाकर के स्फूर्ति दशा प्राप्ति होती है उसको कहते हैं समाधि, तो हमारा भी वही अष्टांग योग है हमारे भीतर भी, लेकिन हम लोग ऐसे जो अष्टांग योगी जो है उनके जैसे नहीं है, वो लोग तो प्रणाम प्रणाम दी स्वाध्याय तो भगवत आदि ग्रंथ आदि अध्ययन करना ये तो जरूरी है, शौच संतोष तप श्रद्धा ईश्वर प्राणिधान, शौच सुचिता संतोष मन को शांत रखना, तप तपस्या, तपस्या कौन सा तपस्या हमारा एकादशी, हमारा गीता में लिखा है तपस्या कायिक वाचिक मानसिक तपस्या, कायिक तपस्या देवदी जो गुरु प्राज्ञ पूजनम शौच आर्जव ब्रह्मचर्य अहिंसा च शरीरंग तप उच्चति, देवदी जो ब्राह्मण साधु सेवा संत सेवा गुरु सेवा ये शरीर के द्वारा का ये करना, देवदी गुरु प्राज्ञ पूजनम शौचम सुचिता सरलता ब्रह्मचर्य अहिंसा किसी की हिंसा नहीं करना, ये कायिक तपस्या, वाचिक तपस्या अनुद्विगं करं वक्कं सत्यं प्रियंगितं चजत साध्याभ्यासं चैव वाङ्मयं तप उच्यते, अनुद्विग कर वाक्य जिस शब्द के द्वारा किसी को उद्विग नहीं होता है, सत्य हितकारी और मंगलकारी
मनुष्य कर्म सत्यम प्रियं, उसको अच्छा लगेगा सुनने में। हितं च जत, उस शब्द के द्वारा उसका मंगल भी होगा। साध्याय साध्याय श्रीमद् भागवत पुराण गीता आदि ये अध्ययन करना, ये वाचिक तपस्या। मानसिक तपस्या मन प्रसदम सौमत्तम मौन आत्म विनिग्रह भाव संशुद्धि इत्यतत्तम मनुष्य उच्यते, यह मानसिक तपस्या। मन शांत सौम्य ये वाला थोड़ा कठिन है, मानसिक तपस्या। क्या बोला श्लोक प्रथम? मन मन प्रसादम, मन की प्रसन्नता। बाहरी विषय वस्तु से इसके जो प्रभाव है उसका मन अंतर जगत में प्रवेश नहीं करना चाहिए। कहीं अशांति हुआ, कहीं कला हुआ, कोई नुकसान हुआ, कुछ हुआ, ये नहीं होना चाहिए। मन प्रसन्न सौम शांत भाव, आत्मनिग्रह। आत्मनिग्रह माने मन को विषय से हटा करके अंतर्मुखी करने का चेष्टा। मन प्रसादम सौमत्तम आत्मनिग्रह भाव संशुद्धि, भाव जो हमारे व्यवहार है इसमें शुद्धिकरण, सबके सहित मित्रता, सबके सहित एक मीठी व्यवहार, क्रोध नहीं करना, कभी विकारग्रस्त नहीं होना, ये भाव संशुद्धि। अरे ये तपस्या, ये तो सोजा सरल नहीं है, इसीलिए तो तपस्या कहा गया है। इत्यतम मानसम उच्यते, ये मानसिक तपस्या है। फिर खाना पीना कम, ज्यादा खाने से तो नहीं बैठा जाएगा, खाना पीना कम करना पड़ेगा। जब तक आसन में बैठे उस समय आहार बहुत संयम होना चाहिए, पेट भर के खा लिया और बैठ गया तो बीमार हो जाएगा, तो बीमार पड़ जाएगा आसन में बैठने से। नींद आना नहीं, तुम पेट भर के खा के तुम आसन में बैठोगे तो बीमार पड़ जाओगे, आप तो जानते हैं अच्छी तरह से। ठीक है।